किसना है। मुंबई के कांदिवली में स्थित लोखंडवाला टाउनशिप में सत्संग परिवार द्वारा हर साल होने वाले कथा बड़े ही भव्य तरीके से इस क्षेत्र में की जाती है। इस साल भी राम कथा की शुरुआत सत्संग परिवार द्वारा की जा रही है, जहां पर कथावाचक श्री विजय कौशल जी महाराज के कमल हाथों और मधुर वाणी से इस कथा की शुरुआत हो चुकी है। वही श्री राम कथा की भव्य शोभा यात्रा कांदिवली के लोखंडवाला में स्थित ग्रीन मीडोस बिल्डिंग से निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में भक्तजन मौजूद रहे, जहां पर श्री राम के वनवास से लेकर अयोध्या तक की पूरी झांकियां इस शोभा यात्रा में दिखाई गई। इतना ही नहीं, श्याम और राधा की भी जोड़ी इसमें शोभा यात्रा में मनमोहक दृश्य के रूप में नजर आई। इतना ही नहीं, प्रभु राम के प्यारे हनुमान की मनमोहन करने वाली नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। सड़कों पर सभी भक्तों ने फूल पुष्प अर्पित कर इस शोभा यात्रा को अपना प्यार दिया। अगर बात करें इस राम कथा की, तो यह राम कथा 7 जनवरी से 15 जनवरी तक होने वाला है, जिसमें प्रभु राम की जीवन कथा इस राम कथा में कथावाचक महाराज भक्त जन के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। वही इस रामकथा के यजमान सुरेश अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इस सत्संग इस लोकल टाउनशिप में करते आ रहे हैं, बड़े बड़े साधु संत सत्संग में आते हैं, और आज के दिन जिस तरीके से महाराज जी आए हैं, क्या कुछ किसी दिन का सात दिन का सत्संग होने वाला है? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ऐसा दिन का होता है। क्या होता है, क्या खास बात रही इस बार के सत्संग में, और किस तरीके से मंडप और सभागृह बनाए गए? सबसे बड़ी बात यह, जैसा आपने राइटली बोला, सत्संग परिवार सन 2000 में स्टार्ट हुआ, और हम लोग कुछ लोग बैठ करके इसको स्टार्ट किए थे, और हम लोग शुरू से इसके संस्थापक फाउंडर ट्रस्टी हैं। शुरू से मैंने एक खास बात देखी सत्संग परिवार में, कि जितने लोग इसमें जुड़े हैं, सारे निस्वार्थ भावना से तन मन और धन के साथ काम कर रहे हैं, और हर साल आप ये देखें कि हमेशा परोपकार का काम किया है। हमारा कभी भी ध्येय पैसा कमाना नहीं रहा है, हमारा शुरू से ध्येय रहा है सुविधा, ताकि हमारे टाउनशिप के लोगों को और टाउनशिप के आसपास के लोगों को मैक्सिमम सुविधा मिले, सत्संग के माध्यम से, मेडिकल के माध्यम से, यात्रा के माध्यम से, और किसी भी जो हमारे नेचुरल वे है उस माध्यम से। तो सत्संग कितने साल से कर ही रहा है काम, आज की जो आपके यजमान है, आप यजमान हो आप, और जो आपकी कथावाचक, उनके बारे में कुछ बताइए। ये ईश्वर का बहुत बड़ी कृपा है कि सत्संग परिवार की जो पहली कथा थी, उसमें मैं यजमान था। सत्संग परिवार के सारे ट्रस्टियों ने और सदस्यगण ने हमें बोला कि आप यजमान बने, और ये 25वां रजत जयंती है, इसमें भी सबका आग्रह था कि आप यजमान बने। तो ये हमारे लिए परमात्मा का एक आशीर्वाद है। जहाँ तक संत का सवाल है, बहुत अच्छे संत हैं विजय कौशल जी, और मैं ये बोलूँगा, आज तक सत्संग परिवार ने जितने भी संत को लाए हैं, उनका चयन टॉप ग्रेड है। आज स्वामी विवेकानंद अवधेशानंद जी आए हैं, दयानंद जी आए, मैंने मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का, लेकिन हर एक संत एक से बढ़कर एक है, और लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया है। और आज भी कितने संत यहाँ पे पहली बार आए हैं बॉम्बे में, क्योंकि सत्संग परिवार ने लाया है। और आज मुंबई यात्रा कई काफ़ी भव्य रहा, जहाँ पर अभी 22 तारीख को रामलला विराजने वाले अयोध्या में, उसकी एक झलक लोखंडवाले में देखने को मिली। टाइम ऐसा हो गया है कि आज पूरा भारतवर्ष और भारतीय लोग राममय हो गए हैं, और चूंकि राममय हो गए हैं, तो एक हमारी नजरिया थोड़ी सी अलग और ज्यादा हो गई है राम के प्रति, राममय के प्रति। हर साल शोभा यात्रा बहुत अच्छी होती है, इस साल भी एकदम अद्भुत हुई, लेकिन हमारे साथ में, हमारे माइंड के पीछे में इस बार अयोध्या और श्री राम और श्री राम का मंदिर, और हमारा हिंदुस्तान, हमारा राम, हमारा राम जन्मभूमि हर हिंदू के दिमाग में फूट फूट के भर गया है, और जो कि हमारी बहुत बड़ी सफलता है।
कोतवाली पूर्व लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में सत्संग परिवार द्वारा हर साल राम कथा का आयोजन होता है, भगवत सप्ताह का आयोजन होता है, भंडारा का आयोजन करते हैं और ये शोभा यात्रा जो आज देखा आपने 22 तारीख की तैयारी हो रही है। मुझे लगता है कि पूरा लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स पूरा उतरा है, बहनों की संख्या इतनी ज्यादा है और बहनों के चेहरे पे जो उल्लास और उत्साह दिखाई देता है, जैसा लगता है कि पूरा अयोध्या नगरी आज लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में उतरा हुआ है, इस प्रकार का दृश्य आप सबको देखने के लिए मिल रहा है। मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम में जुड़ने का मौका मिला। 22 तारीख को तो एक सांसद के नाते मोदी जी अयोध्या बुलाने वाले हैं, लेकिन ये जो आज दृश्य देखकर मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। मैं सत्संग परिवार के सभी दर्शकों का।